Hello and welcome back to your own channel Medico Swami. This lectures are unfiltered. जैसे record हो रहे हैं वैसे ही upload हो रहे हैं. We are not editing, we are not doing anything. Already 9 lectures are being uploaded on the channel. अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो पहले वो जा कर के देख लीजिए. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 10, दैट इज द लॉ ऑफ क्योर. द लॉ ऑफ क्योर. हैनीमन सर ने जैसा कि पहले ही एक प्रिंसिपल दे दिया है, दैट इज सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरिंजन. उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है हमसे कि हमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि कैसे क्योर हो रहा है. इस बात पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है. इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसीज टू प्रोड्यूस सर्टेन फिनोमिनॉन विच आर नॉट ऑब्जर्वेबल इन परफेक्ट हेल्थ. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं डिसीजेस की जो तभी होती हैं जो हमें एक परफेक्ट हेल्दी कंडीशन में नहीं मिलेगी. सिम्टम्स आर द ओनली रिप्रेजेंटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ द डिसीज स्टेट. जब भी हमें कोई डिसीज होती है तो वो हमें पता सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स के थ्रू ही पता पड़ती है ना. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी डिसीज का कोई सिम्टम ही ना हो तो वो डिसीज हमें पता ही नहीं पड़ेगी, ठीक है. सेंसेशंस या जो भी फीलिंग्स होती है, अपीयरेंस होता है, कैसा मोल हो रहा है, कैसा वार्ट हो रहा है या कैसा पैपिलाई ग्रो कर रहा है, इन सबसे ही तो हम लोग डिसीज को पता करते हैं. टू और मोर सिम्टम्स में अपियर टुगेदर और सिंक्रोनाइज विद ईच अदर सो फ्रिक्वेंटली दैट दे आर रियली वन सिम्टम एंड मस्ट बी कंसिडर एज सच इन आर एनालिसिस. कभी कभी दो या दो से ज़्यादा सिम्टम्स आपस में ऐसे मिल जाते हैं जैसे लगता है कि वो एक ही सिम्टम हो. द लॉ ऑफ क्योर मस्ट रिप्रेजेंट सम रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिजीज एंड द मेडिसिनल क्वालिटीज ऑफ अ ड्रग. जो लॉ ऑफ क्योर है उसका रिलेशन दोनों ही चीज़ों से होना चाहिए. पहला कि डिसीज़ क्या है, डिसीज़ कैसे हो रही है, और दूसरा कि मेडिसिन की क्या क्या क्वालिटी है जो डिसीज सिम्टम्स से मैच कर रही है, तभी लॉ ऑफ क्योर एप्लीकेबल होगा. देयर कैन बी नो लॉ ऑफ क्योर अनलेस द एक्सप्रेस सम डिफाइनेट रिलेशनशिप बिटवीन द टू ग्रुप्स और द क्लासेस. और तब तक कोई भी एक ऐसा क्योर का लॉ हम लोग नहीं बता सकते तब तक हमें इन दोनों चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप ना मिले. तो इसमें अब हम लोग चारों जो लॉज दिए रखे हैं हैरिंग सर ने, उसको भी हम लोग यहाँ लिख देंगे. आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कि वो चार क्या क्या बातें कही गई हैं. नो मेडिसिन कैन इफेक्ट अ परफेक्ट क्योर अनलेस इट हैज़ अ क्यूरेटिव एक्शन अपॉन एवरी डिसीज पार्ट. कोई भी मेडिसिन तब तक डिसीज को क्योर नहीं कर सकती तब तक उसमें डिसीज प्रोड्यूसिंग पावर ना हो. पोटेंटाइज मेडिसिन एडमिनिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सिमिलिया इज ट्रू रेगुलर ऑफ द वाइटल एनर्जी दैट द वाइटल एसेंस विच इज सिनोनिमस और लिस्ट एनालॉग टू द मैन इट्सेल्फ एंड लाइज वेरी क्लोज टू इट्सेल्फ. पोटेंटाइज मेडिसिन में जब हम लोग पोटेंटाइज मेडिसिन को लॉ ऑफ सिमिलिया के अकॉर्डिंग में किसी भी पर्सन को देते हैं तो उसकी वाइटल एनर्जी स्टिमुलेट होती है जिसके वजह से लॉ ऑफ क्योर स्टैब्लिश होता है. टोटैलिटी ऑफ एनी डिसीज, किसी भी डिसीज की टोटैलिटी क्या है. टोटैलिटी ऑफ द एक्शन सेंसेशन मैनिफेस्टेशंस, इन सभी का मिक्सचर होता है टोटैलिटी ऑफ डिसीज के. पेशेंट को कैसा फील हो रहा है, क्या क्या हुआ था, क्या क्या उसने किया, तो कैसे कैसे वो डिसीज आगे बढ़ी, ये सारी चीज़ें टोटैलिटी ऑफ डिसीज को बताती हैं. आइसोपैथी इज नॉट होम्योपैथी. वी मस्ट कीप दिस डिस्टिंक्शन एवर बिफोर अस. आइसोपैथी और होम्योपैथी दोनों बहुत बहुत अलग चीज़ें हैं. थोड़ा सा ही डिफरेंस है लेकिन वो इन दोनों को एकदम अपार्ट कर देता है. आइसोपैथी में सेम क्योर सेम, हीट से अगर दिक्कत है तो हीट ही क्योर करेगा. एंड इन होम्योपैथी इज लाइक क्योर्स लाइक. लाइट का उजाला और सूरज का उजाला दोनों सेम है, दैट इज लाइक लाइक क्योर्स लाइक, ठीक है. लेकिन एक ट्यूबलाइट का और एक बल्ब के उजाले में डिफरेंस होता है. एक ट्यूबलाइट का उजाला ट्यूबलाइट के ही कंपैरिजन में किया जा सकता है, दैट इज आइसोपैथी. और सन एंड द ट्यूबलाइट बोथ आर कंसिडर्ड इन होम्योपैथी. तो ये तीन चार चीज़ें बतानी है बस, इस पर ज़्यादा कुछ बताना नहीं है. आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा. नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें. एक कंप्लेंट है आप लोगों से कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे, तो वो काम करना शुरू कर दो, वीडियोस और जल्दी जल्दी आना शुरू हो जाएगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.